जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, केंद्र सरकार की योजना है और मतलब राज्य सरकार की भी योजना है कि जो भी गरीब लोग हैं उनको आवास दिलाया जाए और जो भी मतलब जिनको पक्का मकान नहीं है उनको पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। मोदी जी भी कहते थे कि 2022 तक सभी परिवारों को हम पक्का मकान दे देंगे। तो एक आज हमारे साथ हैं विश्वकर्मा मिस्त्री साहब, इनका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनका मतलब नाम लिस्ट में दर्ज था लेकिन इनको आवास नहीं मिला। इनका घर देख सकते हैं और ये बहुत परेशान हैं और इनकी नाराज़गी यही है कि हमारा नाम आया था आवास योजना में लेकिन हमारा नाम मतलब काट दिया गया है, हमको आवास नहीं दिया गया है, जबकि इनके पास कोई मतलब पक्का मकान नहीं है, कोई बेहतर मकान नहीं है और अभाव में दो बच्चे हैं आपके। तो ये बताइए कि मतलब आपका बता रहे हैं कि आपका नाम लिस्ट में था। नाम था लेकिन नाम काट दिया गया, आपको आवास नहीं दिया गया। नहीं। आपका घर यही है? यही है। तो इसके पहले कभी आवास मिला तक नहीं मिला? नहीं, कभी नहीं। इसके पहले कभी आवास नहीं मिला? तो बताइए कि आपका नाम जब आवास में आपको इसके पहले कभी नाम नहीं था तो नाम क्यों काट दिया गया, इसके पीछे का क्या कारण है? अब हम नहीं बता पाई कि केहू जा कटा दी हल का भाई भाई, हम एक ना जानते। आखिर में आपके नमो जुड़ल है तो कोनो प्रधान नहीं है तो वैसे प्रधान आखिर में पात्र रहल हो तो डर लो है, वैसे डरले ना है। नहीं नहीं डरले रहना है। तो जब नाम पड़ल रहल पात्र थे तो फिर नाम काटने का मतलब पीछे आखिर में वजह आखिर में नमो का है तो समझ में। हम आइए तो यही जगह आइए रोडवा पर तो नाम दर्ज कर तानी तो ले गए बिमला गोरख कह के बकरी आज तक ले सबका आज हमारा आई बताओ कि गाँव में सुनल जाता है लोग कहता है कि जगह आवास बाओ के आवास मिलता है, कई लोगों के जगह पास पक्का मकान बो के आवास मिलता है और आपके पास आवास नहीं था, आपको आवास नहीं मिला, कर नमो काट दिया गया। हमको खुद कहानी है बाबू का कौन हमरो घर जाके लिहला लोहिया में हमारा सुग्रीव नाम है, इनका भी नाम था। हाँ, आपका भी नाम कट गया? हाँ, लोहिया में लाले वो काट को वो टोला दी आई कार होता एक बार हमारे और दिन भले आई दोस्तों जनता का मतलब कहना है, लोग का एकदम नाराजगी यह है कि हमारा नाम आवास लिस्ट में जुड़ा था, आखिर इसके पहले के जो भी प्रधान लोग थे आवास में नाम जुड़वाए लेकिन इस कार्यकाल में नाम काट दिया गया और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आवास है उनको आवास दिया जा रहा है और जो गरीब लोग हैं जिनके आवास नहीं है, जिनका छत नहीं है, उनको आवास नहीं मिल रहा है, यह मामला बना। हाँ, यह बात। हाँ, यह बात। तो प्रधान जी सराय कर ले जा काहे नमो करियो ई हम पछ के आवास नहीं मिलल बा। आ त ई प्रधान त कहत ना भाई हम आने के लिखली पर आइल बटे त हम देव देव में। हां, त जब नई लिस्ट में तो हम पौनी त नहीं देतनी। दोस्तों, लगभग सभी गांव में ऐसा देखने को मिला, हमारे ग्राम सभा में ऐसा मामला था कि तमाम लोगों का आवास लिस्ट में जुड़ा था, इसके कार्य पिछले कार्यकाल में जुड़ा लेकिन इस कार्यकाल में लगभग आधे से अधिक लोगों को नाम काट दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो कर्मचारी हैं, अगर सेक्रेटरी से पूछेंगे तो वो कहेंगे प्रधान कटवा रहे हैं, अब प्रधान से पूछेंगे तो कह रहे हैं सेक्रेटरी कटवा रहे हैं। अब यही कहते होंगे लोग कैसे आवे नौका प्रधान को पुरनका प्रधान के। हाँ, लिस्ट का सजी रहा है दोस्तों। लोगों का जो ग्रामीण है इनकी यही नाराजगी है कि यही हाल है, हर ग्राम सभा में यही हाल है। अगर प्रधान से सवाल करेंगे तो कह रहा सेक्रेटरी काटा है और सेक्रेटरी से पूछेंगे तो कह रहा प्रधान गांव का मालिक होता है, वो जो करेगा वो हम करेंगे, हम कौन मालिक होते हैं। यानी दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और इस आरोप में जनता पिस रही है, जनता का नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर आवास मिलता तो आपका आवास बन जाता, तमाम लोगों का आवास बन जाता है, प्रधान से सेक्रेटरी अपने घर से देता है, सरकार पैसा देता है, सरकार दे रही है, सरकार पैसा देता है लेकिन बावजूद भी है, दोनों अपने घर मिलकर लोग काट देता है एकदम मिलजुल की मिलजुल के लोग काटा था। लिखाए हैं जो बिमला गोरख कई बेर प्रधान से मैं कहा हूँ जलिया ले जाइए। हाँ, दम ना दर्ज है तो कहे नहीं आया। तो साथियों, हम आपसे यही आग्रह करेंगे, थोड़ा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं सबसे आग्रह है, जो भी सरकार में प्रशासन में बैठे लोग हैं उनसे आग्रह है कि ग्रामीण में जो गांव में आज भी तमाम लोग बेघर हैं जिनको मतलब आवास पक्का मकान नहीं है और नाम लिस्ट में आने के बावजूद भी उनका नाम काट दिया जा रहा है, सेक्रेटरी प्रधान के ऊपर आरोप लगा रहा है और प्रधान सेक्रेटरी के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी इस तरह से ग्रामीणों के साथ मनमानी कर रहे हैं, आवास मतलब नाम लिस्ट दर्ज होने के बावजूद भी उनको आवास नहीं दिया जा रहा है, तो सरकार से अनुरोध है कि इस पर प्रशासन कार्रवाई करे और जो भी आरोपी है उनको सजा मिले और जो भी ग्रामीण है जिनका आवास नहीं मिला है उनको जल्द से जल्द आवास दिया जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।